कोई प्ले खुद प्रोड्यूस करने का रहता है या प्रोडक्शन में जाने का? मैंने की थी एक प्रोडक्शन, एक है निगार, एक जनरल निगार, आप शायद जानते हैं। मुझे फीलिंग आ रही है कि एक एक कुछ आपके अंदर से निकलने वाला था जो आपने रोक लिया। नहीं, नहीं नहीं, मुझे आ रही है कि इतना तो हम भी आपको मैं जानते हैं। मर्द हूं, क्या निकलने वाला उससे? मुझे प्ले के बारे में बताएं। तो जी, एक टेलीफिल्म बनाई थी, एक है निगार, आप जरूर देखिएगा। जनरल निगार जो पाकिस्तान, एंड इनफैक्ट आई थिंक द फर्स्ट मुस्लिम जनरल वाज इन पाकिस्तान, जनरल निगार। तो उनकी अच्छा। बहुत बहुत ही कमाल कहानी है, और उस वो हमने बनाई थी। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना, मैं प्रोडक्शन उन चीज़ों के लिए करना चाहती हूँ जिसमें मेरा दिल हो, या कुछ ऐसा पढ़ूं कि कहूँ कि यार ये तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। पैसे के लिए प्रोडक्शन मुझसे तो शायद कभी होगी नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। ISPR वालों ने कभी बुलाया आप किसी प्ले के लिए? किसी प्ले के लिए एक है निगार ISPR वालों का ही एक्चुअली हम लेके गए थे उनके पास इजाजत लेने कि हम जनरल निगार की कहानी बना सकते हैं, तो उन्होंने फिर हमें इजाजत दे दी थी। पैसा तो नहीं दिया उन्होंने? पैसा नहीं, आपका पैसा नहीं। नहीं, मैं उन्होंने अल्लाह, नहीं, पैसा जो लगाते हैं प्रोडक्शन में आप वो। ये देखें, वहां जो है ना, ये जो एक लाइन है जो हमारी इंडस्ट्री की लाइन है, वो अपना सर ऐसे पकड़ के बैठा है कि कल पता नहीं क्या निकलेगा इस पूरे नहीं, मैं इंडस्ट्री। मतलब था कि वो पैसे देते हैं प्लेस के लिए, पैसे किसको देते हैं? डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ISPR वाले। नहीं, उन्होंने हमारी मदद की थी इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी। जनरली जब हम देखते हैं इस कहानियाँ, तो हम हमेशा मर्दों के बारे में देखते हैं, और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो हमारे फौज में भी हैं, और उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। तो आई थॉट जनरल निगार की एक स्टोरी है जो बननी ज़रूरी है। उसमें यूनिफॉर्म वगैरह में थी औरतें, यूनिफॉर्म वगैरह पहने हुए थे। जी, वो देखा है मैंने। देखा? हाँ, नहीं देखा आप? देखा मैंने। लाइट ब्लू रंग के कपड़े थे उसका, वो यूनिफॉर्म का कुछ था उसमें। देखा मैंने, हम पे आया था। नहीं, हम पे नहीं कहा। अच्छा, चले। दिस वॉज वेरी गुड, बिकॉज जनरल निगार थे, यूनिफॉर्म ही पहने, यूनिफॉर्म पहना था आपने। और मेरे ज्यादातर ड्रामे हम पे चलते हैं, हम पे था ना। दिस वॉज गुड, बहुत अच्छा। नहीं, अब आप देखेंगे, और जरूर देखेंगे, क्योंकि आप मेरे लिए लिख रहे हैं कुछ, तो देखना तो पड़ता है। कोई जबरदस्ती का आपके एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाजा दरवाजा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है उसके अंदर। तो ये कि अगर आप बेटा विश्व मुकाम पर हैं, क्या आप मना कर सकती हैं ये स्क्रिप्ट मैं दे करूंगी? सही बात है, और मैंने बहुत दफा मना की। नहीं नहीं स्क्रिप्ट को कह रहा हूं, स्क्रिप्ट को। जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिलता है, और आई मीन, बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूंगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। उसका नाम है पाबंदी। नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो उस पाबंदी के ऊपर है
कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं एक लड़की पर, शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की जिंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात, ये बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी सच्ची कहानी। हाँ, ये होता है यहाँ बिल्कुल, अक्सर जैसे कि घरानों की लड़कियों के साथ ही पेश होता है। अगर वो पढ़ी लिखी जरा सी नहीं है फिर वो उनको जिंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियाँ हैं, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं उनसे पूछते हैं कि आप एक चीज जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस सही बात है पाती, और हम उस पर एम्फसाइज नहीं करते। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि तो मायरा, अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उनको तूल देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियाँ बीवी में तो जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना चाहिए। मुझे, मैं थोड़ी देर और वक्त आपके साथ गुजारूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस। कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में। नहीं, मेरा मतलब नहीं, ये आप सीरियस हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात की मैंने, और ये कि जिंदगी माशाल्लाह आज जो जिंदगी गुजार रही हैं, बहुत कम नसीब होती है लड़कियों को जिस मजे में आप हैं। सब चाहते हैं आपको, हर कोई चाहता है कि आप उसके ड्रामे में काम करें। आप हिंदुस्तान में भी काम कराएं तो वहां का कैसा लगा आपको हिंदुस्तान का? बहुत अच्छा लगा, एक रईस के पाले पड़ी थी आप। बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी थी तो जो फिल्में देखती थी, मेरे ज़माने के जो हीरो थे वो शाहरुख खान थे, और बहुत सख्त प्यार था, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि है कितना मज़ा आएगा अगर मैं एक दिन शाहरुख खान के साथ काम करूँ। ये सोचना भी मुझे लगता है उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो कि शायद मिले ना मिले, उस वक्त ऐसा लगता था कभी भी नहीं मिल सकता। तो the fact that I got to do it, it was a very big thing. तो शाहरुख खान में, इसे बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान में और आप में नाक के अलावा और क्या कॉमन है? मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है। कसम खाएं। कसम खुदा की, बहुत अच्छी नाक है। अच्छा, मुझे भी आपकी नाक, मुझे ऐसी नाक, मुझे ठीक है। नहीं नहीं सच में, शाहरुख की नाक जरा सी, मैं आपको एक चीज बताऊं, है नाक में दम है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबके, बहुत लोगों ने कहा कि अपनी नाक फिक्स करा लो, नाक फिक्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नाक कटवा दी तो फिर क्या रह गया। और मगर आप यकीन माने कि जब हम, मैं और शाहरुख एक फ्रेम में आते थे तो एक दिन आई स्वेयर उन्होंने खुद मुझे कॉल करने का, देखो देखो देखो, दिस इज द वॉर ऑफ द नोजेस। तो खैर, हम दोनों में ये आई थिंक कॉमन है कि आई थिंक कि हम दोनों को इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, और सिर्फ अपने अपने आप से नहीं कि ओ मेरा काम अच्छा हो जाए। मुझे लगता है हम दोनों को इस पूरी फील्ड से बहुत प्यार है। लाइक मैं उनको देखती थी काम करते हुए, स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन, हर किसी से बातचीत, हर किसी से एक तरीके से बात करते थे। I like that about him. He works really hard. बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप चाहे जितने भी बड़े स्टार हो जाए,
आप उसी तरह मेहनत करें। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर के साथ फिल्म में काम करना, बहुत बड़ी बात है। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज मैंने यहाँ हर उस एक्टर के साथ देखी है जो जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा एक्टर है, चाहे वो बुशरा अपा हो या जावेद साहब हो। टाइम पे आना, अपने पूरे घंटे लगाना, उफ नहीं करना, बैठे हुए होते थे। मैं जावेद साहब से, ये लोग पेमेंट पहले ले लेते हैं ना। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो ये फिर एक फिल्म आई आपकी जिसमें आपने रक्स किया, तीन डांसेस थे आपके शायद उस फिल्म में, वो कहाँ सीखा आपने? मुझे बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बोलिए सही है। हाँ, बहुत जी, अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली कभी डांस नहीं सीखा। वो स्टेप्स थे, और अम्मा ने मुझे सीखने नहीं दिया जब लाइसियम में एक दफा। बहुत मैं नाराज हूँ उनसे आज तक कि नहीं सीखने दिया, नहीं सीखने दिया। खैर, तो वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि आसिम रजा उसके डायरेक्टर थे और निगाह जी जो थे वो कोरियोग्राफर थे, और ये कथक करना था, और कथक में एक ठहराव चाहिए होता है। आपके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और पैरों की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और आसिम ने ये कहा हुआ था कि मैं कैमरा नीचे लगाऊंगा ताकि पैर दिखे, वो कभी दिखे ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, कभी भी थ्रू आउट। मगर मैंने सीख लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कितने दिन मिलेंगे डांस के रिहर्सल के लिए? उन्होंने कहा 3 दिन। अब 3 दिन में घंटों में खड़ी रहती थी, घुंघरू बांध कर और थक 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 करती रहती थी। जिस दिन मैं पहुंची सेट पे, वो जो उमर सईद सईद का जोड़ा था, वो एटलीस्ट 5 kg का होगा या उससे भी ज्यादा, इतना भारी था वो जोड़ा। और मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो निगा जी ने मुझे कहा, देखिए हम आप हर चीज जो भी याद किया है वो छोड़ दें, आप बस इंजॉय करें। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, लर्निंग एंड अनलर्निंग, जो मुझे लगता है आप लोग थिएटर में बहुत ज़्यादा करते हैं, और आई विश कि मैंने थिएटर किया होता, कि सारे डायलॉग्स हर चीज़ याद करने के बाद फिर आप जो भूल के करते हैं स्टेज पे, आई थिंक कमाल किया, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच।